toxins can be defined as the microbial metabolite. ये तो microbial fluids, जो टॉक्सिन होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी जीवों के उपापचयक होते हैं, जो कि या तो एक्सक्रीटेड बाहर की तरफ रिलीज किए जाते हैं होस्ट के, या सस्पेक्ट, इसमें सस्पेक्ट शब्द प्रयोग किया गया है, सस्पेक्ट प्लीज जिसमें पाया जाता है, सस्पेक्ट प्लीज, या तो ये पैथोजेंस के द्वारा रिलीज किया जाएगा या ये होस्ट कंसंट्रेशन टॉक्सिक उत्पन्न कर देगा, जो कि सेल के लिए होस्ट से रह गए तो सस्पेक्ट है उसके लिए विषाक्त होंगे या इसके लिए ये हानिकारक होगा। तो इस प्रकार से हमने ये देखा है कि लाइकोप्रोटीन के जो सेल बनी होती है तो ये लाइट हो जाती है जिससे कि इंडोटॉक्सिन बनते हैं। ये तो लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है
बनावट को डिस्टर्ब नहीं करते। टॉक्सिन शेल्फ की टॉक्सिन कोशिका के बनावट को डिस्टर्ब नहीं करते, केवल उसकी जो मेटाबोलाइट एक्टिविटीज होती हैं उनको ही ये डिस्टर्ब करते हैं। अब फाइटो एक्शन, फाइटो एक्शन में क्या
जबकि यांग द्वारा क्षरण कोशिकाओं का टूटना या कोशिकाओं का टूटना एवं मिडिल लैमेला का डिसइंटीग्रेट होना इस शब्द को जब ये इंजाइम के द्वारा कोई कोशिका में क्षरण होती है कोशिकाएं टूटती हैं उसका मध्य लैमेला अलग होता है डिसइंटीग्रेट होता है तो इस प्रकार के जो क्रियाएं इंजाइम के द्वारा की जाती हैं उनको हम कह देते हैं फाइटो एग्रेशन फाइटो ये पीडियो मार्क है पीडियो मार्क स्टेज और ये है एना एना स्टेज जो है एलिकोस्पोडियम है या शेक्सपियर के लिए और ये जो है शेक्सपियर स्टेज है जिसको हम पीडियो मार्क के देते हैं ये है, सी विक्टोरिन जो है, ये सबसे पहले
तीन अवधारणाएं फास्फेट एंटोजेन्स। Okay.